गाइस, मैं उन्हें स्वागत करती हूँ आपका स्मार्ट प्रिपरेशन में। और आज का टॉपिक है स्टेट के राजकीय पशु पक्षी पेड़ और फ्लावर। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर हर एग्ज़ाम में। अभी जो रेलवे के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें भी एक पर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है कि किस स्टेट से ये किसी भी स्टेट का कौन सा राजकीय पक्षी है या फिर जंतु है, इसे पूछे जा रहे हैं। तो इसे पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरा बने रहिए, देखिए पूरा। और तो अगर आप पहली बार आए हैं तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूँ तो आपके पास मैसेज चला जाएगा, यूट्यूब मैसेज भेज देगा आपके पास। ठीक है, तो आज का कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कौन से स्टेट के कितने कौन कौन से पशु पक्षी हैं। तो पहले हमारे इंडिया में 29 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। तो देख लेते हैं कि किसके क्या क्या है। तो पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो है, आंध्र प्रदेश का इंडियन रोलर पक्षी है, राजकीय पक्षी जो है इंडियन रोलर है, और राजकीय पशु जो है ब्लैक डग है। ये है राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और ये है ब्लैक डग। इंडिया में जो ये इंडियन रोलर है ये बहुत ही पॉपुलेटेड, यानी कि लार्ज, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है इंडिया में ये पक्षी, तो याद रखिएगा। फिर है असम। असम में जो वाइट विंग्ड वुड डक है ये यहाँ की राजकीय पशु पक्षी है, और राजकीय पशु जो है वन हॉर्न राइनो है, यानी कि एक सिंह वाला गैंडा, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और यहाँ पर स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, इसमें ये पाए जाते हैं। यहाँ की जो काजीरंगा उद्यान है ये वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में जो पक्षी है वो ग्रेट हॉर्नबिल बोलते हैं इसे। ये ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी है यहाँ के राजकीय पक्षी, और यहाँ की जो राजकीय पशु है वो है गयाल। इसे ना मैथन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, दोनों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार। बिहार का जो है राजकीय पशु ऑक्स है, यानी कि बैल, और यहाँ के हाउस स्पैरो जो है पक्षी है, राजकीय पक्षी, और इनसे देखा होगा जिसे गौरैया नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो और फ्यूचर में अभी तक तो ये है, लेकिन बाद में भी बनाने की योजना है क्या, गैंगेटिक डॉल्फिन को यहाँ के पशु बनाने का और यहाँ की बर्ड बनाने का, इंडियन रोलर बनाने की योजना है। तो याद रखिएगा, फिलहाल अभी ऑक्स एंड हाउस स्पैरो, और फ्यूचर में गैंगेटिक डॉल्फिन एंड इंडियन रोलर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो पक्षी है वो है हिली मैना है ये, और यहाँ के जो पशु है वो है वाइल्ड बुफेलो, हिली मैना एंड वाइल्ड बुफेलो, याद रखिएगा। गोवा। गोवा है, गोवा जो है गोवा की हो जाएगी आपकी ये गौर, ये जो है यहाँ की पशु है, और यहाँ की जो पक्षी है ब्लैक कैटर्ड बुलबुल, ये है ब्लैक कैटर्ड बुलबुल, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर और भी तरह के जो बाइसन, यानी बोवाइन, बोवाइन के मतलब इसमें मवेशी वगैरह जितने भी जंतु आते हैं वो सब आते हैं, वो भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में जो ग्रेटर फ्लेमिंगो, ये है यहाँ की पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो, और इंडियन लॉयन जो है यहाँ की ये जो इंडियन लॉयन यहाँ की जंतु है, राजकीय जंतु। तो यहाँ जो गिर नेशनल पार्क है, याद रखिएगा गिर नेशनल पार्क, इसमें यहाँ ये इंडियन लॉयन पाए जाते हैं, लेकिन अभी हाल ही में बहुत इस पर चर्चा में रहा, क्योंकि लगभग सिर्फ एक महीने में, 1 मंथ में 23 लॉयन की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर सिर्फ 1 मंथ में 23 लॉयन की डेथ हो चुकी है, जो कि बहुत ही दुखजनक बात है। तो याद रखिएगा, ये गिर नेशनल में पाए जाते हैं नेशनल पार्क में, और ये गुजरात में, गुजरात का यहाँ का राजकीय पशु भी है। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा का जो ब्लैक डक, यानी कि ब्लैक डक, ये है ब्लैक डक यहाँ का पशु है, और ब्लैक फ्लेमिंगो यहाँ की पक्षी है, याद रखिएगा हरियाणा का। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो वेस्टर्न ट्रैकपोन जो है यहाँ की ये पक्षी है, और जो स्नो लैपर्ड है यहाँ के पशु है, याद रखिएगा। ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क में ये स्नो लैपर्ड पाए जाते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ये यहीं पर स्नो लैपर्ड पाए जाते हैं। स्नो लैपर्ड इज ए स्पीसीज ऑफ 5 बिग फैमिली कैट। कैट फैमिली में ही स्नो लैपर्ड भी आते हैं, याद रखिएगा। और माउंटेन रेंज में हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है, इसकी जो पक्षी है हंगबुल है, ये है हंगबुल, और ये जो ब्लैक नेकेड कैरन है यहाँ का ये जंतु है, याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर का। फिर है झारखंड। झारखंड में जो एलिफेंट यहाँ का पशु है, राजकीय पशु, और कोयल यहाँ की राजकीय पक्षी है। तो याद रखिएगा, एलिफेंट जो है 3 राज्यों में है, लगभग
मोर देन थ्री, जैसे कि कर्नाटक राज्य ये झारखंड में हो गया, कर्नाटका में हो गया, केरल में हो गया, यहाँ की भी एलिफेंट ही राजकीय पशु है। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में एलिफेंट कहाँ पाए जाते हैं अगर पूछे तो वो है कर्नाटका में, फिर केरल में, नेक्स्ट है कर्नाटका। देखिए कर्नाटका की भी है इंडियन एलिफेंट, यहाँ की भी है पशु और इंडियन रोलर जो है यहाँ की पक्षी है कर्नाटका की। नेक्स्ट है केरल, केरल में भी इंडियन एलिफेंट यानी कि यहाँ की भी एलिफेंट पशु राजकीय पशु है और ग्रेटर हॉर्नबिल यहाँ के भी पक्षी है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, येलो फुटेड ग्रीन पिजन, ये जो है येलो फुटेड यानी कि पैर इनके येलो होते हैं, ग्रीन पिजन जो है ये यहाँ के पक्षी हैं राजकीय पक्षी, और जो इंडियन जायंट स्क्वायरल है यहाँ के पशु है, याद रखिएगा। ये जो पक्षी है महाराष्ट्र में पाई जाती है फॉरेस्ट में, ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो बारहसिंघा यहाँ का पशु है, और एशियन पैराडाइज फ्लाई साइक चैटर यहाँ का जो है पक्षी है, याद रखिएगा। तो ये हो गया मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट है मणिपुर, मणिपुर जो है ये है आपका यहाँ का संगाई डियर जो है यहाँ का पशु है, और ह्यूमन प्रेजेंट ये जो है यहाँ की पक्षी है। नेक्स्ट है मिजोरम, हुल ओक गिब्बन जो कि ऐप की प्रजाति है, एक किसकी प्रजाति है, ऐप गिब्बन की प्रजाति, गिब्बन जो ऐप की प्रजाति है, ये यहाँ के पशु है और ह्यूमन प्रेजेंट यहाँ की भी पक्षी है, याद रखिएगा। मेघालय, मेघालय में जो क्लाउडेड लैपर्ड, ठीक है, क्लाउडेड लेपर इनके ऊपर धब्बे टाइप के बने होते हैं, या क्लाउडेड लेपर ये मध्य प्रदेश मेघालय के हैं, और यहाँ की हील मैना यहाँ की पक्षी है। जो क्लाउडेड है लेपर्ड है वन ऑफ द मोस्ट मीडियम साइज वाइल्ड, ये भी कैट के ही प्रजाति के अंतर्गत आते हैं जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है नागालैंड, तो ब्राइट टाइगर यहाँ की जो पक्षी है, और गयाल यहाँ का भी जंतु, यहाँ का राजकीय जंतु है जिसे मैथन भी कहते हैं, याद रखिएगा। गयाल इज अ स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश का भी है और नागालैंड का भी, दोनों जगह का है ये गयाल। नेक्स्ट है उड़ीसा, उड़ीसा का जो है संभार जो है यहाँ का आपका पशु है, और यहाँ के जो इंडियन रोलर है यहाँ की पक्षी है। नेक्स्ट है पंजाब, पंजाब में भी ब्लैक डग यहाँ की नेशनल यहाँ की राजकीय जंतु है, और नॉर्थ घोसवॉक यहाँ की क्या है यहाँ की पक्षी है, याद रखिएगा। तो इसके हो गए। नेक्स्ट है सिक्किम, ब्लू पेजेंट यहाँ की जो है पक्षी है, और रेड पांडा यहाँ का जंतु है, रेड पांडा यहाँ का जंतु है राजकीय। नेक्स्ट राजस्थान, राजस्थान ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ की क्या है पक्षी है, और चिंकारा है, आपने नाम बहुत ही सुना होगा चिंकारा, यहाँ पर बहुत ही पाए जाते हैं, तो ये है राजस्थान की राजकीय पशु। नेक्स्ट है तेलंगाना, जो कि हाल ही में नया स्टेट बना, 29th स्टेट बना इंडिया का, जिसकी राजधानी है हैदराबाद, ठीक है, और स्पॉटेड डियर, ये है स्पॉटेड डियर यहाँ की पक्षी है, जंतु है, और इंडियन रोलर यहाँ की पक्षी है। तो देखिए इंडियन रोलर इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनकी इंडियन रोलर राजकीय पक्षी है, और ये है यहाँ का स्पॉटेड डियर, इंडिया का 29th स्टेट बना तेलंगाना, याद रखिएगा। इसके अलावा डियर, जैमनी, चीतू यहाँ भी और भी बहुत सी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु, एमरल्ड डॉव, ठीक है, एमरल्ड डॉव जो है यहाँ के पक्षी है, और नीलगिरी थियार यहाँ की जो जंतु है। नेक्स्ट है त्रिपुरा, ग्रीन इंपीरियल पिजन, ये है ग्रीन इंपीरियल पिजन यहाँ के पक्षी है, और प्याराज लंगूर, ये है लंगूर यहाँ की क्या है प्रजाति, ये जो है यहाँ की जंतु है, कौन सी जंतु है, नहीं राजकीय जंतु है। नेक्स्ट है उत्तराखंड, जो है मस्क डियर, जो मस्क डियर है यहाँ की पक्षी जंतु है, और हिमालयन मोनल यहाँ की पक्षी है। तो सब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिए, साइरस कैरन यहाँ की पक्षी है, और बारहसिंघा यहाँ का पशु है। तो और ये है वेस्ट बंगाल फिशिंग कैट, ये है फिशिंग कैट यहाँ की जंतु है, और ये जो है वाइट ब्रेस्टेड किंग फिशर यहाँ का पक्षी है। तो याद रखिए मीडियम साइज वाइल्ड कैट ही होती हैं ये, जो मैनग्रोव और स्विम में पाई जाती हैं, और द फिश कैट इज़ वन ऑफ द नोन एज अ स्पीसीज ऑफ स्मॉल वाइल्ड कैट होती है, ये वाइल्ड कैट होती है, याद रखिएगा, फाउंड इन इंडिया। तो ये थे आज के, ये थे सभी स्टेट जितने भी स्टेट हैं हमारे इंडिया में, 29 स्टेट हैं, उसके राजकीय पक्षी और जंतु एक बार देख लेते हैं। राजकीय पक्षी के और जंतु के साथ साथ यहाँ जो ट्री हैं, ट्री और फ्लावर भी देख लेते हैं। जैसे अभी हमने एनिमल और बर्ड देखा, जैसे कि आंध्र प्रदेश ब्लैक डक, इंडियन रोलर, और यहाँ की जो ट्री है नीम है, और फ्लावर है लोटस। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश,
मैथन अभी मैंने बताया था, जो दयाल को यानी कि जो भैंस सॉरी सांड की तरह था उसको बोलते हैं, और ग्रेट हॉर्नबिल यहाँ की बर्ड है, लोगों होलोलॉग यहाँ की ट्री है, और लेडी स्पिलर और चीट यहाँ के फ्लावर है। असम की बात करें, वन हॉर्न राइनो यहाँ के पशु है, एनिमल है, और वाइट विंग वुड डक यहाँ के बर्ड बर्ड है, होलोलॉग यहाँ की ट्री है, एंड फॉक्सटेल और चीज यहाँ का फ्लावर है। बिहार की बात करें तो यहाँ ऑक्स है, हाउस स्पैरो है यहाँ के बर्ड, पीपल पे पीपल का पेड़ यहाँ का ट्री है, और कचनार फ्लावर है। इसके बाद अगर बाद में अगर फ्यूचर की बात की जाए तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका गंगेटिक डॉल्फिन, और स्पैरो हो जाएगा हॉर्नबिल, इंडियन हॉर्नबिल। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो वाइल्ड बुफेलो और हिल मैना यहाँ की बर्ड है, सेल यहाँ की ट्री है। नेक्स्ट दिल्ली की बात करें, दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की नील गाय जो है एनिमल है, हाउस स्पैरो यहाँ की बर्ड है, और अगर गोवा की बात करें तो गौर यहाँ के एनिमल है, और फ्लेम थ्रोट बुलबुल जो है यहाँ की बर्ड है, और माटी यहाँ की ट्री है। नेक्स्ट गुजरात की बात करें तो एशियाटिक लॉयन है, ठीक है, जो कि गुजरात में पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क जहाँ के अभी 1 महीने में 23 की डेथ हो गई है, और ग्रेटर फ्लेमिंगो यहाँ की बर्ड है, मैंगो यहाँ का ट्री है, और मैरीगोल्ड यहाँ का फ्लावर है। हरियाणा की बात करें तो ब्लैक डग यहाँ का है एनिमल, ब्लैक फ्लेमिंगो है यहाँ की बर्ड, एंड पीपल का पेड़ जो है ट्री है, एंड लोटस यहाँ का फ्लावर है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, स्नो लेपर्ड जो हिल एरिया में पाए जाते हैं, जो कैट की प्रजाति है, वेस्टर्न टेरगोन यहाँ की बर्ड है, और देवदार वृक्ष है, और रोडोनोडेरो ये जो यहाँ की फ्लावर है। नेक्स्ट बात करें जम्मू कश्मीर की, तो हंगूल यहाँ की एनिमल है, ब्लैक नेकेड केनर यहाँ की पक्षी है, और चिनार यहाँ का वृक्ष है, लोटस यहाँ का फ्लावर है। झारखंड की बात करें तो एलिफेंट और कोयल यहाँ की पक्षी है, साल का वृक्ष यहाँ पर पाया जाता है, और पलाश फ्लावर। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में भी है, देख लीजिए कौन कौन से, जम्मू का सॉरी झारखंड कर्नाटका केरला तीनों के एलिफेंट है, और यहाँ ग्रेट हॉर्नबिल है, ठीक है, केरला के भी, और ये कर्नाटका के इंडियन रोलर है, सैडल यहाँ का वृक्ष है, और लोटस यहाँ का पौधा है। कोकोनट कहाँ की है, केरल की है, केरल में कोकोनट ज़्यादा पाए जाते हैं, और यहाँ का जो है कोकोनट ट्री है, और गोल्डन सोर ट्री जो है यहाँ का फ्लावर है। मध्य प्रदेश की बात करें, स्वैप डियर, अब देखिए स्वैप डियर, अभी हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में 12 सिंह, तो स्वैप डियर को ही 12 सिंह बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, स्वैप डियर को ही 12 सिंह बोला जाता है। एशियन पैराडाइज फ्लाइचेटर यहाँ का जो पक्षी है, और बेनियान का ट्री यहाँ बेनियान ट्री है, और पैरट ट्री यानी कि ये जो फ्लावर में आते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो ग्रैंड स्क्वायरल आते हैं यहाँ पर, येलो फुटेड ग्रीन पिजन यहाँ की पक्षी है, मैंगो यहाँ का पेड़ है, और जुरेला की फ्लावर है। मणिपुर की बात करें, संगाई जो जंतु होता है, और ह्यूमस पेजेंट यहाँ की जो पक्षी होती है, टोन टोन एक पौधा पेड़ होता है, और सुरी लिली लिली जो है वहाँ पर इस टाइप की पाई जाती है। फिर मेघालय की बात करें, क्लाउडेड जो लैपर होता है मेघालय का होता है लैपर्ड, और हिली मैना यहाँ की पक्षी होती है, वाइट ट्रिक यहाँ का ट्री होता है, और लेडीज प्लेयर और चिड़िया भी होता है फ्लावर। मिजोरम की बात करें तो सिरो, ठीक है, येरा सिरो, और ह्यूमस प्रेजेंट यहाँ का भी है, और आयरन वुडेड ये ट्री होता है, रेड वंदन ये वेंडा यहाँ के फ्लावर होता है। नागालैंड की बात करें, मिथुनिया भी मैंने बताया था कि दयाल नाम का जो जंतु था इसी को बोलते हैं, और ब्लैथ ट्रिकपॉन जो यहाँ का पक्षी है, और एल्डर यहाँ की वृक्ष है, रोडोडेनोड यहाँ की फ्लावर है। ये रहा ओडिशा, ओडिशा का जो है सांबर यहाँ का पशु है, इंडियन रोलर पक्षी है, बेनियन ट्री और लोटस फ्लावर। पांडुचेरी की बात करें यानी कि पुदुचेरी की बात करें तो ये है स्क्वायरल, आस्किन कोयल, एशियन कोयल, ठीक है, और वेवल ट्री और कैनोबेला। पंजाब की बात करें तो ये है ब्लैक डग, और नॉर्थन हॉर्सकोट यहाँ के पक्षी है, और सी सैम यहाँ का ट्री है। राजस्थान की बात करें तो कैमल, ठीक है, कहाँ, राजस्थान का जो है कैमल है, और इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ की पक्षी है, और खिजरी यहाँ का ट्री है, और रोहिरिया यहाँ का फ्लावर है। सिक्किम की बात करें तो रेड पांडा, ठीक है, रेड पांडा याद रखिएगा, ब्लू पेजेंट यहाँ का पक्षी है, और रोडोडोल यहाँ का ट्री है, और ये नोबल ऑर्चिड यहाँ का फ्लावर है। तमिलनाडु की बात करें तो नीलगिरी थियर यहाँ का है, और एम्बेरल डोव यहाँ पर है पक्षी, और ये जो प्लेरामा प्लाम जो है यहाँ की पेड़ पाए जाते हैं, और खंडेल यहाँ का क्या है फ्लावर है। तेलंगाना की बात करें तो डियर,
ठीक है। ये तेलंगाना की बात करें तो ये डियर है यहाँ का पक्षी जंतु, इंडियन रूरल यहाँ की पक्षी है राजकीय, और जेमिनी ट्री जो है यहाँ का राजकीय ट्री है, और तेंगेड़ू यहाँ पर फ्लावर पाया जाता है ये। त्रिपुरा की बात करें पेरियार लंगूर, ठीक है। त्रिपुरा की बात करें ग्रीन इंपीरियल पिजन यहाँ की पक्षी है, और अगर यहाँ का पेड़ है, और नागेश्वर यहाँ की फ्लावर है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर मस्क डियर है, ठीक है, मस्क डियर उत्तराखंड में, और हिमालयन मोनल यहाँ की पक्षी है, बन भुरनास यहाँ की ट्री है, एंड बर्मास कैमल जो यहाँ की फ्लावर है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो स्वैप डियर, अभी स्वैप डियर को क्या बताया था मैंने, भारत सिंगा और साइरस कैनन यहाँ की पक्षी है, अशोक ट्री यहाँ का अशोक ट्री है, और बरहम कैमल ये भी यहाँ भी जो फ्लावर है यही है। बंगाल वेस्ट बंगाल की बात करें तो फिशिंग कैट मैंने बताया था वाइल्ड कैट होती है ये, और वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर यहाँ की पक्षी होती है, और चीतन यहाँ का ट्री होता है, और शिफाली जो है यहाँ का फ्लावर होता है। तो ये थे हमारे पूरे स्टेट के फ्लावर एंड ट्रीज और एनिमल एंड बर्ड, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं तो यूनियन टेरिटरी के, जैसे कि नील गाय जो जंतु है, और जो हाउस स्पैरो हो ये दिल्ली के राजकीय एनिमल है। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो बटरफ्लाई फिश जो है यहाँ के एनिमल है, और ड्यूगोंग की बात करें तो ये जो है अंडमान एंड निकोबार का है, और पुडुचेरी की बात करें तो स्क्वायरल एंड एशियन कोयल ये होती है यहाँ के स्क्वायरल, और जो स्क्वायरल है यहाँ की एनिमल है, और बर्ड है एशियन कोयल। तो ये थे हमारे पूरे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के राजकीय जीव जंतु एंड फ्लावर एंड ट्रीज। तो ये आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन जरूर दबा, सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।